वेलकम टू माय चैनल हेल्दी होम रेस्टो। आज हम बनाएंगे घर पे बहुत ही बढ़िया सा क्रिस्पी सा प्याज के पकौड़े, और इसकी चटनी थोड़ी सी स्पेशल होगी क्योंकि ज्यादातर से हम पकौड़े के साथ क्या करते हैं, धनिया की चटनी पीस लेते हैं, लेकिन थोड़ा सा चटनी मैं आज डिफरेंट बनाऊंगी, उसके लिए आप मेरे साथ जुड़ जाइए। और प्याज के पकौड़े और चटनी की रेसिपी चलिए फटाफट शुरू करते हैं। प्याज के पकौड़े के लिए सबसे पहले तो हम प्याज को कट करेंगे, तो प्याज को हमें ऐसे स्लाइसेस में कट करना है। अब प्याज तो हमारे कट चुके हैं, इसको काटने के बाद से हाथों से ऐसे हम मसल देते हैं ताकि जो इसके होते हैं ना पूरे अच्छे स्लाइसेज वो अलग हो जाए। प्याज के पकौड़े में ऐसे ही चाहिए होता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे। अभी जितने पकौड़े में नमक मिलाने हैं उतना नहीं डालेंगे, थोड़ा डाल के और ऐसे हाथों से ही ऐसे मिला देंगे और एक तरफ से छुड़ाते जाएंगे जैसे कि पूरे लेयर्स में आ जाए। इससे क्या होगा कि प्याज जो है खुल भी जाएंगे और नमक जो है अपना पानी छोड़ेगा। तो जब हम पकौड़े बनाने के लिए थोड़ा सा हमें पानी डालना पड़ता है, वो पानी की मात्रा हमें कम करनी पड़ेगी। कम रखेंगे तो पकौड़े जो है बहुत ही अच्छे से क्रिस्प बनेंगे। प्याज के पकौड़े बनाते समय हमेशा याद आता है कि घर में जैसे ही कोई मेहमान आता है हमारे तरफ, सबसे पहले क्या होता है, प्याज के पकौड़े ही बनते हैं क्योंकि बड़े इजीली बन जाते हैं, प्याज घर में होता ही है। तो बस इसको मिला देते हैं। अब इसमें डालेंगे बेसन। जितना हमने प्याज काटा है उसके हिसाब से बेसन ले लेंगे कि जो प्याज है अच्छे से बेसन में पूरा हो जाना चाहिए, उतना ही बेसन लेंगे। अब इसमें आप हरी मिर्ची को बारीक काट के डाल सकते हैं, लेकिन मैं पकौड़े को थोड़ा सा और टेस्टी बनाने के लिए क्या करती हूँ, जैसे लहसुन है ये और हरी मिर्ची है, तो इसको आप सिलबट्टे पे या उसमें जो खल्ली होता है अदरक वाली कूटने वाली, उसमें अच्छे से कूट देंगे और इसके बीज इसमें रहते हैं। पकौड़े बहुत ही टेस्टी होते हैं, मतलब स्पाइसी लगते हैं और अच्छे भी लगते हैं, तो वो डाल देंगे। थोड़ी सी हींग डाल देंगे, अजवाइन डाल देंगे थोड़ा सा साबुत, क्योंकि अजवाइन से जो है आराम से डाइजेस्ट हो सकता है पकौड़े। पकौड़े को क्रिस्पी सा बनाने के लिए इसमें डालेंगे चावल के आटा, लेकिन ये ध्यान देंगे जैसे कि हमने जितना बेसन डाला हुआ है उसके आधे के आधा होना चाहिए, तो उतना ही चावल का आटा डाल देंगे। हल्दी पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर डाल देंगे और थोड़ा सा गरम मसाला। मसाले अगर आपने घर पे बनाए हो तो ये स्वाद और बढ़ जाता है। मैंने घर पे बनाए हैं मसाले, तो वही मसाले मैं डाल रही हूँ। मसाले का लिंक मैं शेयर कर दूंगी। और इसमें अब डालेंगे स्वाद के हिसाब से नमक, तो ध्यान रखना है कि नमक मैंने डाला हुआ था प्याज में भी, तो उसी हिसाब से नमक ले लेंगे। एक नींबू लेंगे, उसका रस निकाल लेंगे। पकौड़े बहुत अच्छे बनते हैं, और जैसे कि मैंने बताया था कि थोड़ा सा पहले स्टार्टिंग में नमक डाल देंगे और नींबू का रस, तो टेस्ट भी बढ़ जाता है और पानी की मात्रा बहुत कम हो जाती है जो हम पानी डाल के इसको ऐसे मिक्स करेंगे। तो अच्छे से नींबू का रस मिला देते हैं। अब इसे मिक्स करना है बहुत अच्छे से, तो इसको क्या करेंगे, हाथों से मिक्स करेंगे, धीरे धीरे मिक्स करेंगे। अभी पानी बिल्कुल भी नहीं डालेंगे क्योंकि जो हमने इसमें डाला हुआ है वो धीरे धीरे ऑब्जॉर्ब होगा, तो अपने आप से ही मॉइस्चर आ जाएगा। अगर लगेगा तो ही हल्का सा हाथ जो छिट्टा लेते हैं ना वैसे ही करेंगे। तो पहले इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अभी प्याज जो है ये अच्छे से मिक्स तो हो रहा है, अभी इसमें थोड़ा सा टाइटनेस है, तो अब क्या करेंगे, इसमें पानी डालेंगे, लेकिन पानी ऐसे एक साथ नहीं डालेंगे, हाथों पे लेंगे और छिट्टे लेके डालेंगे बहुत, मतलब एक से दो चम्मच पानी में ही अच्छे से ये मिक्स हो जाएगा। तो ये देखिए कितना बढ़िया से ये हो गया है, बस इसमें पानी एक दो चम्मच भी नहीं लगा है, एक से डेढ़ चम्मच पानी में ही ये हो गया है पूरा ऐसे तैयार। जब इसके पकौड़े बनेंगे तो बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे। तो ये हमारा जो है मिश्रण तैयार है। अब चलते हैं, तेल पहले गर्म कर लेते हैं। पकौड़े को मज़ेदार बनाने के लिए एक और राज है, अगर आप सरसों के तेल में बनाएंगे तो पकौड़े बहुत ही टेस्टी बनेंगे। तो सरसों का तेल चढ़ा देते हैं गर्म होने के लिए, तेल प्रॉपर गर्म होना चाहिए, और उसके बीच में क्या कर, जब तक कि तेल गर्म होगा चटनी बना लेते हैं। तो चटनी बनाने के लिए हमें चाहिए होगा सॉस। ये जो घर में हमारे फ्रिज में सॉस होता है ना वही है। अगर आप बच्चों को सिर्फ सॉस देना चाहें पकोड़े के साथ तो ऐसे ही सिंपल सा सॉस दे दें, लेकिन मैं पकोड़े के लिए मज़ेदार सा चटनी बनाऊंगी। और ये लेंगे चिली पेस्ट, नॉर्मली बाज़ार में भी आता है, मार्केट में भी आता है, और घर पर ये प्रॉपर जितना मैंने बनाया है सब कुछ घर पर होम मेड ही बनाया है। तो ये चिली पेस्ट क्या करेंगे, अब इसमें सॉस में मिला देंगे और बहुत ही बारीक सी कटी हुई ये प्याज है, हरी मिर्ची अपने हिसाब से आप रख सकते हैं तीखा, और ये लहसुन है, काटेंगे बहुत बारीक बारीक और इसमें डाल देंगे, एक साथ ही सारा डाल देते हैं।
थोड़ा सा व्हाइट पेपर डाल देंगे, अगर आपके पास नहीं हो तो इसको ब्लैक पेपर भी डाल सकते हैं। मैं थोड़ा थोड़ा दोनों डाल देती हूँ, जैसे थोड़ा सा मैंने व्हाइट पेपर डाला, थोड़ा सा ब्लैक पेपर, थोड़ा सा काला नमक ले लेंगे, बहुत थोड़ा सा सादा नमक डाल देंगे, चाट मसाला डाल देंगे, चाट मसाला में भी नमक होता है तो नमक उसी हिसाब से डालेंगे, नींबू का रस ले लेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। बहुत ही मज़ेदार सी तीखी वाली स्पाइसी वाली चटनी बनती है, पकोड़े के साथ तो मज़ा आ जाता है। मतलब इसके साथ अगर आप पकोड़े कोई भी खा रहे हो तो ये अच्छा खासा ये पूरा मज़ेदार बना देता है। तो देखिए कितने आसानी से बन गया है, ये चटनी तो तैयार हो गई है। अब चलते हैं गैस की तरफ, अब तेल को देख लेते हैं। तेल बहुत ही बढ़िया से गर्म हो गया है, सरसों का तेल है तो बहुत अच्छे से गर्म करें। अब ले लेंगे जो पकोड़े का ही हमने बनाया हुआ है मिश्रण, तो अपने हिसाब से आप साइज जो है छोटा बड़ा ले सकते हैं, हाथों से उठाएंगे और डालते जाएंगे, जितनी बड़ी साइज आप रखना चाहें, और थोड़ा सा इसमें गैप दे के डालें तो ज़्यादा सही रहेगा। तो ऐसे ही जितने आ जाते हैं एक साथ पहले डाल देते हैं। और पकौड़े को हाई फ्लेम पे ही बनाना है। अब क्या करेंगे, इसको जैसे ही लगेगा कि एक तरफ से ये होने लगे तो इसको पलटते जाएंगे, बस ऐसे ही सारे पकौड़े को पहले पलट देते हैं और इसको क्रिस्प सा होने से अच्छे से तल देंगे। पलटने के बाद से इसको देखेंगे जैसे ही अच्छे से क्रिस्पी सा हो जाए तब तक हमें फ्राई करना है, तब तक थोड़ा सा उलट पलट करके इसको फ्राई कर देंगे। ये देखिए कितना ही क्रिस्पी सा पकौड़े फ्राई हो गया है, कलर चेंज हो गया है। अब इसे क्या करेंगे, निकाल देंगे। पहले क्या करेंगे, पहले किसी किचन टॉवल पे निकाल देंगे क्योंकि जो इसमें तेल होंगे ना एक्स्ट्रा वो सोख लेंगे। तो जैसे ही पकोड़े मैंने फ्राई कर दिए हैं, किचन टॉवल पे रखा हुआ है तेल सोख के लिए, वैसे क्या करते हैं और पकोड़े भी पहले फ्राई कर लेते हैं। तो ये देखिए बन गई ना मजेदार सी प्याज के पकोड़े, और इसको मैं तोड़ के दिखाऊं कितना क्रिस्पी लग रहा है तोड़ने में भी, और खाने में तो बहुत मज़ा आएगा भी। और इसके साथ जो ये चटनी बनी है इसका तो कोई जवाब ही नहीं है, मैंने बहुत बार बनाया है तो मैंने सोचा कि ये रेसिपी आपके साथ शेयर करनी चाहिए, और चाय के बिना तो हमारी चटनी और पकोड़े का जो है कॉम्बिनेशन ही नहीं बैठेगा। तो ये पकौड़े की रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, और चैनल पर अगर आप नए हैं सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक आपने तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं मजेदार रेसिपीज़ के साथ, थैंक यू।